नेते अविनाश ठाकरे ने आरोप लगाया कि आयुक्त राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। सरकार की इशारे पर वित्तीय विकास कार्यों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सदन में मंजूर विकास कार्यों को कार्यादेश जारी नहीं करना इस बात का प्रमाण है। पत्र परिषद में उन्होंने इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर, महिला व बाल कल्याण समिति सभापति दिव्या दुर्रे उपस्थित थे। ठाकरे ने कहा कि भाजपा के सत्ता काल की अनेक उपलब्धियां हैं। वर्ष 2014 में राज्य में भाजपा की सरकार सत्ता में आई। उस दौरान शहर में विकास कार्यों को गति मिली। सीमेंट सड़कें, बगीचे, 572 और 1900 लेआउट में नागरिक सुविधा के कामों को गति दी गई। सरकार से करोड़ों रुपए निधि आवंटित कर शहर का चेहरा बदलने का काम किया गया। शहरा मध्ये गेल्या 2 वर्षापासून काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडीने एक सुडाचं राजकारण सुरू केलेलं आहे। 2014 साली जेव्हा भारतीय जनता पार्टीचं सरकार महाराष्ट्रामध्ये आलं, त्याच्यानंतर हजारो करोड रुपयाचं अनुदान या शहराला मिळालं आणि महानगरपालिकेचं उत्पन्न आणि राज्य शासनाचा वाटा ज्यांना सोबत घेऊन एक नागपूर शहराचा चेहरा मुंगरा बदलण्याचं काम नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात आलं। नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्याचं काम करण्यात आलं। नागपूर सुधार प्रन्यास अंतर्गत अनेक नाममंजूर लेआउटला मंजुरी दिली, तिथे विकास कामं करण्यात आले। अनेक सिमेंट रस्त्याचे अनेक मोठे मोठे प्रकल्प महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पूर्णत्वास नेले गेले। परंतु 2019ला सत्ता बदल झाला राज्यामध्ये आणि त्या सत्ता बदलानंतर नागपूर शहराला मिळणारं राज्याकडून हक्काचं जे 25 करोड प्रतिवर्षाचं अनुदान आहे ते राज्य शासनाने बंद केलं। 131 करोड रुपयाच्या विकास कामांना शहरातल्या जे माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती ते कामं सरकारने हेल्डअप केले। त्याचबरोबर माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या माध्यमातून 157 करोड रुपयाला जी मंजुरी देण्यात आली होती त्यालासुद्धा होल्ड केलं। एवढंच नाही तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून नागपूर महानगरपालिकेच्या उत्पन्नातून जे आम्ही विकास कामं करतो त्या विकास कामांनासुद्धा आयुक्ताच्या माध्यमातून रोक लावण्याचा एक प्रकार नागपूर शहरामध्ये घडलेला आहे। 2018-19 अर्थसंकल्पातले 150 करोड रुपयाचे मूलभूत सुविधांचे कामं आणि दुर्बल घटक समितीचे 8 करोड रुपयाचे मूलभूत सुविधांचे कामं तत्कालीन आयुक्तांनी आल्याबरोबर आदेश काढून थांबवले। राज्य सरकार पर बदले की राजनीति करने का ठाकरे ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन फडणवीस सरकार ने 157 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी थी। महाविकास आघाड़ी सरकार ने निधि रोक दी है। दुर्बल घटक योजना की 8 करोड़ लटका दिए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।